वेदर हम इस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी जगह का जो रोज का मौसम होता है यानी अगर कहीं बारिश हुई है कहीं धूप है कहीं गर्मी है या कहीं सर्दी है तो ये उस जगह का वेदर है देन टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट वेदर कंडीशन इन रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नोट दीज वर्ड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने वेदर और क्लाइमेट को आपस में कंफ्यूज नहीं करना Weather होती है डे टू डे कंडीशंस यानी तकरीबन रोज का मौसम क्लाइमेट होता है कि किसी भी जगह का मौसम जो एक लंबे अरसे से हो या लंबे अरसे तक रहे इट कुड बी एज लॉन्ग एज फाइव और टेन इयर्स यानी पांच से दस साल तक का जो मौसम है किसी जगह का उसको भी आप क्लाइमेट कहोगे क्लाइमेट कैन बी वेरी हॉट यानी कि क्लाइमेट बहुत शरीर गर्म भी हो सकता है इट कैन बी वेरी कोल्ड बहुत ठंडा भी हो सकता है और टेम्परेट या मिड वे भी हो सकता है यानी कि ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म बल्कि दरमियाना तो उसको हम क्या कहेंगे क्लाइमेट अब हम बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जो कि क्लाइमेट पे असर डालते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट हमारे पास पहला फैक्टर क्या है पहला फैक्टर है हमारे पास रेनफॉल बारिश वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ बारिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर क्लाइमेट क्लाइमेट का मैंने आपको पहले भी बताया एंड प्लांट ग्रोथ यानी कि पौधों के लिए बारिश बहुत अहम होती है बारिश फसलों के लिए भी बहुत अहम होती है और और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि बारिश से मुंसलिक होती है सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन एंड समीव लिटर रेन अब वो आपसे ये कह रहा है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में बारिश बहुत ज्यादा होती है रिसीव का मतलब होता है बारिश का होना और कुछ दुनिया के हिस्सों में बारिश बहुत थोड़ी होती है ये रीजन टू रीजन डिफर करता है यानी कि हर जगह ऐसा नहीं होता कि बारिश हो रही है तो पूरी दुनिया में हो रही है या नहीं हो रही तो पूरी दुनिया में नहीं हो रही पूरी दुनिया के डिफरेंट रीजन है डिफरेंट हिस्से हैं और डिफरेंट हिस्सों के अकॉर्डिंगली बारिश भी वेरी करती है नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट क्लाइमेट दैट इज हाइट और आल्टीट्यूड यानी कि किसी भी जगह की जो ऊंचाई है वो एक और फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय द

यानी कि जमीन के ऊपर का जो सरफेस है द एटमोसफेयर इज क्वाइट कोल्ड ओवर देयर वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है दिस इज वाई इट इज कोल्डर इन माउंटेन्स देन नियर टू द कोस्ट इसी वजह से जो पहाड़ी इलाके होते हैं या जो पहाड़ों के करीब इलाके होते हैं वहां पे ठंड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरिया कोस्ट हम कहते हैं साहिली इलाके को तो जो साहिरी इलाके होते हैं वहां पे इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती वहाँ का मौसम जरा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू द माउंटेनस एरियाज यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे ठंड ज्यादा होती है क्योंकि पहाड़ों की हाइट होती है वो इलाके हाइटेड जगह पे होते हैं इसी वजह से वहाँ पे ठंड भी ज्यादा पड़ती है नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट्स क्लाइमेट दैट इज क्लोजनेस टू द सी, यानी कि आप किसी समंदर से कितने करीब हो या कितने दूर हो ये चीज भी आपके इलाके के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजली द लैंड अब वो आपसे कह रहा है कि जो जगह समंदर से करीब होती हैं, द वस हु टू दी यूजली है ब्रीज हम किसको कहते हैं ब्रीज हम कहते हैं ठंडी हवा को सो ही प्लेसेस क्लोज टू द सी, यानी के समंदर के करीब जो जगह होती हैं, वहां पर ठंडी हवाएं चलती हैं, ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड यानी के समंदर की तरफ से लैंड की तरफ जमीन की तरफ दिस हेल्प्स टू कीप टेम्परेचर डाउन इन हॉट समर मंथ्स अब इसका क्या फायदा होता है इसका फायदा ये होता है कि जब शदीद गर्मी पड़ती है गर्मियों के महीने में when there आर हॉट समर months, तो ऐसे में टेम्परेचर थोड़ा बेहतर रहता है क्योंकि आपके समंदर की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं, आपकी जमीन की तरफ उस वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है एंड देन देर आर शेल्टर्ड एरियाज वॉट आर शेल्टर्ड एरियाज समर्ड फ्रॉम विंड एंड रेन, शेल्टर हम नॉर्मली कहते हैं छत को पनाह को तो शेल्टर एरियाज यानी कि जो एरियाज प्रोटेक्टेड होते हैं सम प्लेसेस आर शेल्टरड फ्रॉम द विंड एंड रेन यानी कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हवा से और बारिश से बचे हुए होते हैं ऐसा क्यों होता है फॉर एग्जांपल अ रेंज ऑफ Hills may act as a barrier ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपका जो शहर है या आपका जो भी इलाका है हो सकता है वो माउंटेन से सराउंडेड हो जो भी हवा या बारिश आएगी माउंटेन्स उसके लिए एज अ बैरियर एक्ट करेंगे जिसकी वजह से आपका जो इलाका है वो तेज विंड से या रेन से बचा रहेगा अब अगर आपके इलाके को माउंटेन्स ने घेरा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि कि यानी पहाड़ों की जो एक साइड पे इलाका है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो बट अदर साइड गेट्स वेरी लिटल जबकि जो दूसरी साइड है वहां पे बहुत थोड़ी बारिश हो अब हम बात कर लेते हैं मानसून की Seasonal wind that blows from June to September. So, what is monsoon? It is a seasonal wind. Mosmi hawa that blows from June to September. When in June to September, blue markers are not isti le that you will note down kar le because this is important from MCQ's point of view and fill in the blanks point of view in the subcontinent and across Southeast Asia.

बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होते हुए आती हैं। आप इन दोनों की डायग्राम अपनी बुक में देख सकते हो आपकी बुक में एक मैप बना हुआ है जिसमें ये है कि की हवाएं किस डायरेक्शन से चलती हुई आती हैं और कहाँ कहाँ बारिश लाती हैं अपने साथ इन पाकिस्तान द मूनसून अराइव इन द समर तो पाकिस्तान में मूनसून की बारिशें कब होती है दे अराइव इन द समर मानसून रेन इन पाकिस्तान फॉल बिटवीन द मंथस ऑफ जुलाई एंड सप्टेम्बर अब वो आपको बता रहा है कि पाकिस्तान में मानसून की बारिशें होती हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड सप्टेंबर यानी कि जुलाई और सप्तम्बर के जो महीने हैं उनके दरमियान मानसून की बारिशें पाकिस्तान में होती हैं विंटर रेन फॉल इज मेनली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द

तब तक उनका प्रेशर या उनका जो, जो जोर होता है वो काफी हद तक टूट चुका होता है और उतनी ज्यादा बारिशें नहीं होती जितना के बाकी कंट्रीज में होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है हम बाकी की चीजों के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में तब तक अपना बहुत सा ख्याल अल्लाह हाफिज़